कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है जब मोबाइल में बैटरी खत्म हो और लोग किसी भी जगह पर अपने फोन को चार्ज में लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि किसी भी अनजान जगह पर मोबाइल फोन को चार्ज करना आपके लिए काफी भारी पड़ सकता है। अनजान जगह पर अगर आपने फोन को चार्ज में लगाया है तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि उसी चार्जिंग पिन के द्वारा आपके फोन के डेटा की चोरी की जा सकती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपका सब कुछ साफ हो जाएगा, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट लीक हो जाएंगे, पर्सनल फोटोज लीक हो जाएंगे, बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हैकर्स एक्टिव है। झारखंड इन दिनों मानो साइबर क्राइम का हब बन गया है और साइबर क्रिमिनल चार्जिंग पॉइंट के जरिए आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप का डेटा हैक कर आपको कंगाल कर सकते हैं। यही वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और लोगों को अलर्ट किया है कि अगर आप अपना फोन पब्लिक प्लेस पर चार्ज करते हैं तो इस बारे में जरूर सोचें। इस तरह आपके फोन में मालवेयर भेजकर आपका फोन हैक किया जा सकता है, जिसमें आपके पर्सनल डेटा गायब हो सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की बात है, हम लोग समय समय पर कस्टमर्स लोगों को विज्ञापन के माध्यम से, अन्य स्रोतों से ये जागरूक करते रह रहे हैं कि आज के समय में, खास करके झारखंड में जिस तरह से साइबर क्राइम का ये हब बना हुआ है, नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। हाल में जो एक नया तरीका ईजाद हुआ उसको लेके बैंक भी ग्राहकों को सचेत कर रहा है कि आप जब भी कहीं यात्रा कर रहे हो, कहीं भी हो, अनजान जगह पे अपने मोबाइल को चार्ज न करें, क्योंकि हो सकता है कि उस मोबाइल चार्जर के माध्यम से आपकी सारी गोपनीय सूचनाएं जो आपके मोबाइल में है वो स्थानांतरित हो सकती है। साइबर क्राइम करने वालों ने चार्जिंग पॉइंट से डेटा हैक करने का नया तरीका निकाला है। चार्जिंग पोर्ट के पीछे साइबर क्रिमिनल्स डिवाइस लगा देते हैं। वो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सिनेमा हॉल, कम्युनिटी हॉल जैसे पब्लिक प्लेस पर लगे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट को यूएसबी के जरिए लैपटॉप या अन्य डिवाइस से जोड़ते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए पोर्ट में प्लग करता है, उसके मोबाइल का डेटा साइबर क्रिमिनल के पास पहुंच जाता है। जी बिल्कुल, हैकिंग हो सकती है और इसे बोलते हैं जूस जैकिंग। इसमें क्या होता है कि आप जैसे भी कहीं पे भी अपने फ़ोन के अडाप्टर को, अपने केबल को आपने लगा दिया, कहीं पब्लिक प्लेस में लगा दिया, तो उसमें क्या होता है कि चार्जिंग के साथ उसमें एक डेटा का केबल होता है, तो डेटा चार्ज तो होता ही है, साथ ही साथ डेटा भी वो एक हार्ड ड्राइव के फॉर्म में आपका फ़ोन खुल जाता है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इसका अभी जो है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो उसको अलग अलग तरीके से इसका मिसयूज़ करते हैं कि कहीं कहीं ऐसे ही फ्री चार्जिंग का पॉइंट सेटअप कर दिया, लगा दिया, जैसे ही लोग उसमें अपना फ़ोन लगाया उसके पूरा फ़ोन का डेटा डंप आपका, चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे व्हाट्सएप टेक्स्ट हो, चाहे बैंकिंग के डिटेल्स हो, कुछ भी हो, वो उसमें आ सकते हैं। लोगों से अपील की जा रही है, आगाह किया जा रहा है कि चार्जिंग पॉइंट पर अपना मोबाइल फोन चार्ज पर लगाने से पहले जरूर देखें कि चार्जिंग पॉइंट आखिर सुरक्षित है भी या नहीं। आप जैसे ही चार्जिंग पॉइंट अपने यूएसबी केबल से लगाते हैं यूएसबी पोर्ट में, देन वो डेटा ट्रांसफर, मालवेयर ट्रांसफर पॉसिबल है। तो आप जब भी कहीं चार्जिंग पॉइंट अगर आप चार्ज करना चाहें फोन को, तो जहाँ से आप श्योर हो कि यहाँ से डेटा थेफ्ट नहीं हो सकती है, आप ऐसी जगहों पर ही चार्ज करें। कहीं भी पब्लिक प्लेस पे चार्ज ना कर ले, बस आप अपना सहूलियत देख कर कि ये सहूलियत होगा हमारे लिए, आप केयरफुल थोड़ा इस मामले में रहें कि कहाँ पे आप अपने फोन को आप चार्ज कर रहे हैं। पहले फेक कॉल के जरिए लोगों को झारखंड से ही निशाना बनाया जाता था, अब साइबर क्रिमिनल्स ने एक नया तरीका निकाला है। जैसे ही फोन को चार्ज पर लगाएंगे डेटा चोरी हो जाएगा, इसलिए सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए, क्योंकि आपके फोन के अंदर मौजूद डेटा पर साइबर क्रिमिनल्स की नजर है।